एवरीवन, आज मैं डॉक्टर मीना बया आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो हमारा थर्ड पेपर होता है आपका, उसका बताऊंगी कि स्केचिंग किस तरह से करते हैं। स्केचिंग का जो ये पेपर है, या उसको आउटडोर भी बोलते हैं, क्योंकि हमको क्लासरूम से बाहर जा कर के फील्ड में काम करना होता है और आपको स्केचेस बनाने होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, आपके ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन फिगर्स हो गए, स्ट्रीट्स हो गई, नेचर का, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप इसके अंदर आती हैं और आप उसके स्केचेस आपको बनाने होते हैं। ये आपका 30 नंबर का पेपर होता है और ये इंटरनल असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंट से ही इसके जो है मार्क्स भेजे जाते हैं। तो इसका ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही ये पेपर चलता है और स्केचिंग बहुत मस्ट है और आपको करनी ही होती है। और स्केचिंग जब आप करते हैं तो आपको जो दूसरे दो पेपर हैं उसके अंदर भी पूरी इसकी आपको मदद मिलती है, इसका फ़ायदा मिलता है। अब आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये सामने आपके एक पौधा रखा हुआ है ना, ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें स्केचिंग करने के लिए आपके सबके घर में उपलब्ध हैं। घर में नहीं तो आप अपने घर की बालकनी में आ जाएं, विंडो से देखें तो आपको पेड़, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, लोग बाग आते जाते ये सब दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको कहीं कुछ न तो खरीदने की ज़रूरत है, न स्पेशल इसके लिए कुछ भी आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है तो बस इस बात की कि आप उन चीज़ों को बहुत क्लीनली देखें और उसका स्केच आप बनाएं। अब आज मैं आपको ये सामने जो पौधा रखा हुआ है इसका स्केच करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले वही वाला इसमें रूल आता है कि हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है या पौधा है, कोई भी आकार है, तो वो हमारी जो पिक्टोरियल स्पेस है उसमें खड़ा बनेगा या आड़ा बनेगा, ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके आकार पे डिपेंड करेगा। ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है, प्लांट है छोटा सा, ये हमारे जो सामने रखा है ये लंबा है, खड़ा है ना, तो इसको हमको इस तरह के चीज में खड़ा बनाना होगा। यदि हम इसको आड़ा बनाएंगे तो दोनों तरफ ज़्यादा जगह छूट जाएगी, वो वेस्ट भी होगा और उसके बाद उसकी खूबसूरती भी कम हो जाएगी। अब आप देखिए कि अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इसके जो मेन आकार हैं ये आपको पकड़ने हैं और इसका जो शेप है वो आपको रिदम पकड़ में आना चाहिए। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें लीव्स जो हैं उसका शेप कैसा है वो भी आप ध्यान से देखें, और उसमें कौन सा लीव्स किसी के ऊपर आ रहा है, फिर उसके ऊपर ये आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप बड़े ध्यान से यदि देखें तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसमें आप बराबर अभ्यास करते रहें तो आपको ये चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी, पर इसके लिए अभ्यास आपको करना होगा। और इसमें कहीं आपका थोड़ा सा पत्ती ऊपर नीचे भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है वैसा उसको आप और अच्छा एट्रेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आपको मान लीजिए लगता है कि कुछ जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ या फूल या कोई शेप है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ज़रूर से बनाए ही, बड़े इत्मीनान से आप बनाए, कोई जल्दी भी नहीं है। और ये सबसे पहले आप इसी तरह की चीज़ें हैं जो हिलती डुलती नहीं है स्टिल, तो आपको अभ्यास में आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये पत्तियां हमने बनाई, इसके पीछे से भी यहां पत्तियां निकल रही है। और अपने आप से उसको मत जोड़िए, उसको अच्छे से देख करके फिर ही हम बनाएंगे। नहीं तो आप उसका शेप भी बिगड़ेगा और आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे
नहीं मिलेंगे। देखिए आप ये लीजिए जिसके ऊपर आ रही है, ये इसके पीछे छिप गई, मैं ये वाला पोर्शन बना गई, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए इनके जो फ्लावर्स हैं उसकी जो शेप है वो भी आप ध्यान से देखें, ये देखिए ऐसे जाता है, बहुत छोटे छोटे से बड़े खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके। ये देखिए है ना, अब ये दूसरा है तो एकदम सामने से दिख रहा है, तो ये देखिए ये इसमें से ऐसा है और ये यहाँ, ये यहाँ का, फिर ये यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से इस तरह से पतला सा देख के, लेकिन ये वाली जो इसका पोर्शन है ये इस तरह से आ रहा है और ये हल्का सा यहाँ से ऐसे दिखाई देता है और ये जो है ये ऊपर आ रहा है, तो इसको आप आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं आपके आसपास कि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। असल में होता क्या है कि आप लोग जो आपके दूसरे दो पेपर हैं उस ओर तो आप फिर भी ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन स्केचिंग की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबों से और उनसे देख देख के स्केचेस बना लेते हैं, तो उसमें आप बनाएंगे वो गलत नहीं है, अभ्यास के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने ऐसे थ्री डायमेंशनल रखी हुई है और जब आप किताब में या किसी में देख करके उसकी कॉपी करते हैं तो वो क्या सीधी सीधी लाइन से आपको बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है, आप उस समय तो बड़े हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जब आपको इस तरह से फील्ड में जा कर के बनाना पड़े तो फिर आपको दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसा ही सामने देख करके और फिर हम बनाएं, कहाँ से क्या पत्तियाँ निकल रही है, इसका शेप कैसा है, ये देखिए अब एक डंडी ऐसे निकल रही है ना, फिर ये आया, फिर इसी में से ये निकला, बहुत आप ध्यान से देखें यहाँ से, फिर ये एक डंडी यहीं से निकल गई, ये यहाँ वाला बना रही हूँ मैं। फिर इसका जो ये फूल है वो ये आता है, फिर ये आ जाता है, अब यहाँ पर पूरा एक तरह से बंच है, ग्रुप है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स है। अब एक कंडी जो है वो यहाँ से इन पत्तों के पीछे से ऐसे निकल रही है, ये एक फूल ऐसा आपको दिख रहा है रिंग जैसा, इसमें से ऐसा लगता है कि दो फूल ऐसे निकल रहे हैं, डंडी ऐसे जा रही है और यहाँ पे कुछ ये पत्ते हैं। अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा इधर की तरफ इसका ज़्यादा जो है वेटेज आ रहा है, हम यहाँ पे इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये हमने एक ग्रुप बनाया था, अब हम इसके यहाँ से ये निकाल लेते हैं, ये वाला जो डंडी निकल गई है इसके, फिर यहाँ पे अब इसी में से ऐसा ये दो फूल जैसे निकल रहे हैं,
बैलेंस भी हो गया और अब आप यहाँ से इस तरह से आए, इसमें देखो ये कांटे जैसे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है और ये बीच बीच में यहाँ से दिखते हैं, तो आप ये इसको इसका कैरेक्टर आप यूँ पकड़ सकते हैं। अब इसकी जो ये लाइंस है एक आप ध्यान रखिएगा कि आप पेंसिल जब भी उसको आप शार्पनर से छीलें बहुत आपको तीखा नहीं करना है, उसको शार्प नहीं करना है और आराम से आप इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप चाहें तो ऐसा जहाँ आपको डार्क दिख रहा है कर रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ये आपने कांटे भी लगा दिए, कांटे भी आ गए, बीच बीच में से भी ये कहीं दिख रहे हैं। अगर इसमें कहीं काला दिख रहा है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई शेडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसका एक जो है कैरेक्टर पकड़ लें और लाइन ड्राइंग से आप इसको स्केच कर सकते हैं। फिर देख लें आपके कहीं आपको हल्का सा उठाव देना है कि ये डंडी आगे है कोई पीछे दिखानी है तो हल्का इसको वहाँ पर डार्क करके निकाल सकते हैं। और जैसे ये पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं ना, ऊपर गिरी हुई हैं, तो हम इनको थोड़ा यदि ऐसे कर लें तो अलग भी हो जाएंगी और निकल के बाहर भी आ जाएंगे। तो उसको अलग करने के लिए हम थोड़ा सा, और ये ज़रूरी नहीं आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो पहले आप लाइन ड्राइंग करना परफेक्ट करें, उसको अच्छे से करें, तो उसके बाद ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए आप ये है तो ज़मीन में से ये तो इसमें तो ये पॉट में लगा हुआ है, चाहे तो अभी बनाए नहीं तो इसको आप इस तरह से भी कि सीधा आप ग्राउंड में से ही ये निकल रहा है तो इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब आप आपको बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा इसको इस तरह से ज़मीन में से ये निकल रहा है। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं आप चाहें तो एक छोटा सा ये आप कीड़ा बिठा सकते हैं, कर सकते हैं तितली कहीं बना सकते हैं चाहे तो वो नेचुरल लगनी चाहिए। जिस तरह से आपने ये किया उसी तरह से इसको करना है। तो देखिए आप ये इसमें इस तरह कई सारे पौधे हैं तो वो हिलते डुलते भी नहीं हैं एक जगह, आप दूसरे दिन भी यदि आज मान लीजिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप दूसरे दिन भी वहाँ जाकर के बैठेंगे तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अलग जैसे मान लीजिए मैं उधर से बनाती हूँ तो ये जो फ्लावर्स हैं ये जो इसके लीव्स हैं ये सारों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है तो आपको उसका भी एक अलग आनंद आता है कि पत्तियाँ अभी यूँ पड़ी हुई है उधर से आप देखेंगे तो अलग ढंग से दिखेगी। तो आप इसको चारों तरफ से जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से इसको बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं और उसको आपका हाथ भी साफ होगा, लाइंस अच्छी आएंगी और आपको 50 स्केचेस हर साल मिनिमम, एक मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो अच्छे स्केचेस आपको स्केच फाइल में तैयार करके और कॉलेज में सबमिट करनी होती है तो इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू करें। जितना अच्छा आप करेंगे उसमें से 50 और सबसे जो आपके बेहतरीन हैं उनको आप सेलेक्ट करके उसको फाइल में करके जमा करवानी होती है तो वो आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।